आज की हमारी इस आज की ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम की कैलकुलेशंस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डेट का कैलकुलेशंस, और डेट में के कैलकुलेशन हम आपके साथ डिस्कस किए थे, और आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं टाइम की कैलकुलेशन कि किस तरह से एक्सेल में आप टाइम की कैलकुलेशन करोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम टाइम लिखेंगे कैसे। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप अगर सुबह के 10 बजे का टाइम लिख रहे हो तो 10 बजे के इस तरह से टाइम लिखेंगे, एंटर मारेंगे, 10 बजे का टाइम हो गया। लेकिन अगर आप रात के 10 बजे का टाइम लिख रहे हो तो आपको 10 बजने के बाद यहाँ पे पीएम लगाना पड़ेगा। अगर आप पीएम नहीं लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट एएम ले लेगा। तो आप पीएम लगाने का झंझट आपको हो रहा है तो आप सिंपल आप 24 आवर का फॉर्मेट जो है आप ले, तो आपको एम पीएम का झंझट नहीं रहेगा। और मैं जनरली 24 आवर का ही लेता हूँ। उसके बाद इसके ऊपर फॉर्मेट अपने हिसाब से कुछ भी रखे, यहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट होता है, अपने हिसाब से रखे। अलग अलग कंट्री के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे अब बात करते हैं कि अगर हम टाइम लिखते हैं तो टाइम में से जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दिया 10:40:33, मुझे इसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं आवर, मिनट एंड सेकेंड, जैसे कि हमने कल डेट की क्लास में किया था। तो हम यहाँ आवर के लिए आवर की आवर को अलग करेंगे, और मिनट के लिए हम यहाँ मिनट को अलग करेंगे, और उसके बाद सेकेंड के लिए हम यहाँ सेकेंड को अलग करेंगे। तो किसी पर्टिकुलर डेट में से हम आवर, मिनट और सेकेंड को अलग कर लेंगे, और फिर वापस टाइम में हम इनको कंबाइन करेंगे तो एक कंबाइन भी होके वापस टाइम बन जाएगा। मतलब 10 नंबर फॉर्मेट निकला है। लेकिन आवर फॉर्मूला लगाते समय एक चीज का ध्यान और रखिएगा, जैसे कि मैंने किसी की ओवर टाइम निकाल रखा है 45 घंटे 30 मिनट, तो मुझे इसमें से 45 को अलग करना है तो इसमें आवर का फॉर्मूला नहीं लग सकता। अगर आप इसमें आवर का फॉर्मूला लगाते हैं तो दिक्कत क्या होगा? दिक्कत होगा इसमें कि आपको ये 24 आवर से नीचे का ही देगा, क्योंकि 24 आवर होते ही डेट हो जाता है और डेट के बाद फिर उसका डे निकलता है, तो इसमें दिक्कत है। लेकिन मुझे जरूरत है, मुझे इसमें से आवर निकालना है 45, तो क्या करें, क्या करेंगे रक्षित जी? नो आइडिया सर, भूल गए? कस्टम फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेट लगाएंगे, तो इसमें बड़ी ब्रैकेट में एच लिख देंगे, तो वी हैव एक्सट्रैक्ट द आवर्स, ठीक है। लेकिन मुझे 45 मिनट और 30 सेकेंड, 45 घंटे और 30 मिनट को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो वी अप्लाई द सेम फॉर्मूला टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में हम बड़ी ब्रैकेट में एम लिख देंगे, तो हो जाएगा आपका 2730। मतलब सिर्फ मिनट अलग करने हैं तो आप मिनट का फॉर्मा लगा लेंगे तो 30 अलग कर देगा, लेकिन वी हैव कन्वर्ट द इन द मिनट, तो आपको टेक्स्ट फॉर्मूले में जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट होती है, हम लोग उसको आम बोलचाल भाषा में बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, एम लिख देंगे तो आ जाएगा। अगर एम के जगह आप एस लिख दोगे तो आपका टाइम इन द सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। प्रदीप जी, योगिता जी, अक्षय जी या विक्की जी, कोई डाउट इसमें? नो सर, ना गया आपको? अब बात करते हैं टाइम की कैलकुलेशन के बारे में। जैसे मान लीजिए कि मैं 10:20 लिखा और मुझे इसमें मान लीजिए कि 30 मिनट जोड़ना है, तो अगर मैं 30 मिनट को मिनट फॉर्मेट में लिखा तो मैं इजीली इसको प्लस कर दूंगा। लेकिन अगर मैंने 30 मिनट को 30 मतलब कि नंबर फॉर्मेट में लिख दिया तो आप यहां पे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 30 × 20 हो जाएगा, मतलब कि सिस्टम 1 = 1 day इट मींस 24 आवर समझता है, तो यहां पे दिक्कत होने के चांसेस है, रिजल्ट आपका गलत आएगा।
तो उस केस में हम कैसे करेंगे कि इसके ऊपर प्लस करेंगे टाइम फॉर्मूला के साथ जीरो, और इस 30 को हम टाइम फॉर्मूले के अंदर में लिंक करेंगे या मैनुअल लिखेंगे, तो आपका एग्जैक्ट टाइम ऐड होगा। तो टाइम ऐड करने के लिए आप इस तरह का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस की। जैसे कि आज मैं सुबह 10 बजे ऑफिस गया और रात को 8 बजे ऑफिस से निकला, मैं कितना घंटा काम किया? तो दोनों टाइम जो देख रहे हैं हमारी सेम डेट का है, तो हम इसको लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम करेंगे तो मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मैं कल, मतलब कि मैं 3 अप्रैल को दोपहर के 2 बजे ऑफिस गया, सॉरी 2:14 होगा हाँ, और मैं 4 अप्रैल को मैं 3 बजे ऑफिस से, या फिर मान लीजिए कि मैं 1 बजे ही ऑफिस से वापस आया। अब यहाँ पे क्या है कि डेट चेंज हो गया है, मतलब कि आप जैसे यूएस शिफ्ट होता है ना, कि आप दोपहर में जाते हो और रात को आते हो, तो यहाँ पे, या फिर इवनिंग शिफ्ट है तो आपने 5-6 बजे गया और सुबह है, तो वहां पे अगर आपको अपना वर्किंग आवर निकालना है तो यहाँ पे आपको खाया तो डेट एंड टाइम को इकट्ठा लिखना होगा, जैसे कि नाउ फॉर्मूला करती है, इक्वल टू नाउ, नाउ फॉर्मूला करती है। नहीं तो अगर आपने अलग अलग लिख रखा है तो कुछ नहीं करना है, आप डेट में टाइम को जोड़ दो। यहां भी हम डेट में टाइम को जोड़ देते हैं और फिर लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम, और रिजल्ट आया। अब रिजल्ट जनरल फॉर्मेट में आया है, इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ टाइम, और टाइम में हम यहाँ से 37:30-35 का टाइम ले लेंगे, ये हमारा 11 घंटे का निकाल देगा। ये हमारी टाइम की कैलकुलेशन रही, राइट सर। अब टाइम फॉर्मूले की कैटेगरी में आते हैं। डेट एंड टाइम में कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमने नहीं किए हैं, छोटे मोटे मिसलेनियस फॉर्मूले हैं, चलिए उन फॉर्मूले पे भी एक बार नजर हम मारते हैं। तो डेट एंड टाइम में हमारे पास एक डेट वैल्यू और टाइम वैल्यू दो फॉर्मूला है, अब इसको देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कहीं से डेटा आप कॉपी करते हो या कहीं पे पेस्ट करते हो या फिर टाइप करते हो, तो आपका डेट वगैरह जो है टेक्स्ट फॉर्मेट पे होता है। डेट टेक्स्ट फॉर्मेट में है कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में नहीं होगा। दूसरा, उसके ऊपर आप कंट्रोल सिर्फ हैश करोगे या फॉर्मेट को अप्लाई करोगे तो फॉर्मेट चेंज नहीं करेगा। तो आप डेट को कन्वर्ट करने के लिए आप डेट वैल्यू में आप डालें तो कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ये और भी किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जैन का फॉर्मूला लगाया और मैं इसका स्टार्ट डेट और मैं इसका एंड डेट निकालना चाहता हूं, तो इसके लिए स्टार्ट डेट तो फिक्स होता है, तो 1- और हमने एन परसेंट के साथ इस जैन को जोड़ा, फिर एन परसेंट और यहाँ पे डैश 2019 हमने डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे ई ओ मंथ किया और इसको सेलेक्ट किया एंड कॉमा 0। ठीक है सर। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि 31 जनवरी इधर एग्जैक्ट डेट फॉर्मेट में है, बट 1 जनवरी इज नॉट डेट फॉर्मेट, क्योंकि जब इस पे मैं कंट्रोल शिफ्ट हैश कर रहा हूं तो अपना फॉर्मेट चेंज नहीं कर रहा है। मैं सर, तो यहाँ पे इस पूरी कैलकुलेशन को आपको रखना होगा डेट वैल्यू के फॉर्मूला में, ताकि ये नंबर में कन्वर्ट हो जाए, डेट में कन्वर्ट हो जाए। अब मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए कि फैब का महीना डाला तो फैब आएगा, मार्च का डाला तो मार्च आएगा, अप्रैल का डाला तो अप्रैल आएगा। ठीक है सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। चलिए, उसी तरह से टाइम को अगर किसी आप फॉर्मेट में रख रखा है तो आप टाइम वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हो, वो कन्वर्ट कर देता है टाइम में।
आगे बढ़ते हैं, हमने डेज कर दिया। अब यहाँ पे डेज 360 है। कल हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कि हमने दो डेट लिखा हुआ है और मुझे उन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो हम लेटेस्ट डेट माइनस हम ओल्डेस्ट डेट करेंगे तो डेट आ जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट। लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला है डेज 360, जिसमें हम स्टार्ट डेट कॉमा एंड देंगे तो रिजल्ट आएगा। तो डेज 360 क्या करता है कि एक डिफरेंस निकालता है बिटवीन टू डेट्स, लेकिन उस साल को 365 नहीं 360 दिन लेते हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा वो 360 दिन का होता है, 5 दिन जो है उनको लेजर मेंटेनेंस के लिए चाहिए। और ये अब यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कि मैं अगर डेट बढ़ाता हूँ, देखिए यहाँ पे 156 नॉर्मल है, 155 एक दिन गायब हो गया इसमें। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हमने ईडीएट कवर किया था, मंथ भी किया था, आवर भी। एक हमारे पास वीक है, मैं वीक पे बताता हूँ आपको। हमारे पास दो है, एक वर्क डे एक वीक नेम है। जैसे मान लीजिए कोई डेट हम यहाँ डालते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं अप्रैल का ही डालता हूँ, तो मुझे इसमें इस डेट का वीक भी चाहिए, सैटरडे संडे मंडे चाहिए। तो अगर टेक्स्ट में चाहिए तो आप क्या करते हैं, आप उसको टेक्स्ट फॉर्मूला में 3 बार डीडी लिख देते हैं तो वो संडे मंडे ट्यूजडे आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऑटोमेशन करने के लिए हमें नंबर में चाहिए कि मंडे इट मींस 1, ट्यूजडे इट मींस 2, इस तरह से नंबर में चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वीक डे। वीक डे हमने सिलेक्ट किया, हमने आ गया। अब मंडे 2 आया, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट संडे से स्टार्ट होता है, तो आपको यहां बताना पड़ेगा कि आपका वीक स्टार्ट कब से होता है, क्योंकि अलग अलग कंट्री की अलग अलग चीजें होती है। जैसे मंडे, मान लीजिए कि इंडिया, यूएसए, यूके में आपका वीक जो है मंडे से स्टार्ट होता है, बट आप गल्फ में चले जाए जैसे कि बहरेन, कुवैत, यूएई वगैरह में वहां संडे से स्टार्ट होता है, फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी होती है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से नंबर में। उसी तरह से हमारे पास एक हमारा वीक नम है। वीक नम क्या करता है, ये बताता है कि जो डेट है इस साल का कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा वीक चल रहा है, ये 14वां वीक साल का चल रहा है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला तो हमने कल की क्लास में कवर कर ही दिया था। एक लास्ट फॉर्मूला है ईयर फ्रीक्वेंसी का, चलिए इस फॉर्मूले को भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो ईयर फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे कि आपने एक काम लिया 1 जनवरी को और उसको आपने मान लीजिए कि आज डन कर रहे हैं, आपका चार्ज है 5 लाख रुपीज ईयरली, तो आपको कितना रुपए का बिल होगा। तो ईयर फ्रीक्वेंसी बताएगा कि ये साल का कितना यूज किया है, कितना परसेंट यूज किया है। इसने बताया कि 25.8% हमने यूज किया है, तो मैं 50 लाख का 25.8 का बिल करवाऊंगा। ठीक है, तो ईयर फ्रीक्वेंसी इसका यूज होता है। तो हमने डेट टैक्स कैटेगरी के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए और हमने पढ़ लिए डेट की कैटेगरी के सारे फॉर्मूले, राइट सर। अब अगली कैटेगरी हमारा लुकअप रेफरेंसेस है, जैसे वी लुकअप वगैरह, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। लेकिन उससे पहले हम इन दोनों के ऊपर में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों ने कितना सीखा है। तो हमारे पास एक फाइल है टेस्ट की, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं, चलिए उस क्वेश्चन को समझा देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास ए नंबर डला हुआ है
इस तरह से करेक्टर में। अब मुझे काउंट करना है कि एक सेल के अंदर में कोई पर्टिकुलर नंबर कितना बार रिपीट हो रहा है, ए यहाँ पे। ठीक है, कि बी अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए, मैं कितने बी और कितने ई है यहाँ पे, ये आपको शो करना है। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन क्या ऑफिशियल लाइफ से है? देखिए ये क्वेश्चन सही है क्योंकि मैं अपने ऑफिस में इसका यूज करता था जब मैं किसी एक ट्रेवल कंपनी में काम करता था। वहां पे क्या होता है, फ्लाइट टिकट बुक होती थी। एक टिकट मान लीजिए कि आपको पुणे से मियामी का है, तो पुणे से मियामी का डायरेक्ट फ्लाइट तो मिलेगा नहीं, तो दो या तीन फ्लाइट मिलेंगे, तो दो तीन में सेम क्लास मिलेगा नहीं। लेकिन हम लोग जो कमीशन देते थे एजेंट को, वो कमीशन देते थे क्लास के हिसाब से। तो यहाँ पे इस चीज का हम काउंट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर टू, हमें ये नाम है, इस नेम में से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करना है, जो कि हमने डिस्कस भी किए हैं आपके साथ। अगला क्वेश्चन है कि मुझे मेरा नाम इस तरह से लिखा हुआ है, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लीव, और आपको इस तरह शो करना है कि मनीष कुमार वर्क फ्रॉम 1 जनवरी 2015 to 20 मार्च, इस तरह की चीजें आपको शो करनी है। अगला क्वेश्चन है कि आपको जो है रैप्ड फॉर्मूला, एक फॉर्मूला था रैप्ड का जो कि मैं बताया था आपको, उस रैप्ड फॉर्मूला का एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ डला हुआ है। एक एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल और ढूंढने हैं और इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि डेट ऑफ बर्थ ए है, तो मुझे एज कैलकुलेट निकालना है, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन, और उस एज को इस तरह से कंबाइन भी करना है। और अभी जो बताया मैंने कि स्टार्ट डेट एंड डेट, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। और यहाँ यहाँ पे एक नई चीज है, अभी क्या है कि मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, और क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग साइकिल है हर महीने की 5 तारीख से अगले महीने की 6 तारीख तक है, मैं 6 तारीख को बिल बन जाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी को हमने परचेज किया कोई सामान, तो इसकी बिल बनेगा 6 जनवरी को और मुझे 26 जनवरी को पे करना पड़ेगा। लेकिन जो 13 जनवरी का डेट है, इसकी बिल बनेगी आपकी 6 फरवरी को और मुझे 26 फरवरी को देना है। इसी तरह से आपको इसका डेट कैलकुलेट करना है। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मुझे एक डेट है और इस डेट पे मुझे ईयर, मंथ और डे को ऐड करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ, कि मुझे यहाँ पे वर्किंग आवर निकालने हैं। वर्किंग आवर ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, प्लीज आप लोग इसके ऊपर यूज कीजिए। और कल हम बात करेंगे लुकअप एंड रेफरेंसेस क्लासेस की। ठीक है सर, अगर आप लोगों के पास कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट वगैरह है अक्षित जी? नो सर। तो कैटेगरी हमारा खत्म हो गया है आज। अगली कैटेगरी से पहले एक टेस्ट है, मैंने आगे भी पढ़ा था आपको। तो मिलते हैं कल की क्लास में, और प्लीज ये प्रोजेक्ट आप लोग कर लीजिएगा, ये सॉरी क्वेश्चंस कर लीजिएगा आप लोग। ओके, बाय, गुड नाइट।